दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल ने आज सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला से मुफ्त दर्शन मिलेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ये साफ तौर पे कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं चाहता हूँ कि हर भारतवासी को ये सौभाग्य मिले। केजरीवाल ने कहा कि हम दो काम करने वाले हैं, पहला हम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चला रहे हैं, इसके तहत लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है और बैठक में हम अयोध्या को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करेंगे। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि के भी मुफ्त दर्शन करेंगे। वहीं अगर यूपी में हमारी सरकार बनी तो हम भी प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज अयोध्या आने का सौभाग्य मिला है और इस अवसर पर मैं सभी देवताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि देश को महामारी से मुक्ति मिले। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, दुनिया का नंबर एक देश बनना चाहिए था, लेकिन आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, तरह तरह की बीमारियां हैं, कई कई समस्याएं हैं। और मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारत साल जल्दी ही दुनिया का नंबर वन देश बने और हम 130 करोड़ भारतवासी मिलकर इसको संभव कर सकते हैं। फिल्म निर्माताओं का मनोरंजन के नाम पर सनातन धर्म लब्धियों को भावनाओं की आहत करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारत भक्ति अखाड़ा फिल्म और वेब सीरीज के बनने से पहले ही उसकी स्क्रिप्ट और कंटेंट देखने के लिए एक अलग विभाग बनाएगा। तो वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि वो भोपाल में रविवार शाम को हुई घटना का मीडिया से प्रतिक्रिया दे रही थी और जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ की है और हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने का भी आरोप लगाते हुए सीरीज के निर्माता निर्देश प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी है। पुलिस ने हंगामे को लेकर रविवार को देर रात 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार की घटना को आगामी उपचुनाव से जोड़ने के बारे में भी एक सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने ये जानकारी सामने रखी। सच तो ये है कि ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम वो सीरीज देखें और इन पर कार्रवाई करें। दूसरी बात है कि देश में रहना है तो सनातन धर्म के साथ ही खिलवाड़ नहीं करना चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी मत और पंथ अपनी मर्यादा में है, सब रहें, धर्म अपनी मर्यादा में रहता है और हम अगर धर्म के विरुद्ध हैं तो धर्म एक ही है। सनातन धर्म के विरुद्ध अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो वो अस्वीकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम साधु संत पिक्चर नहीं देखते हैं और अब हम एक विभाग बनाना पड़ेगा, भारत भक्ति अखाड़ा एक विभाग बनाएगा, कोई पिक्चर रिलीज होने से पहले वहां देखी जाएगी, विभाग सिनेमा बनने से पहले ही उसकी पटकथा पढ़ी जाएगी और दिक्कत होने पर सिनेमा बनने ही नहीं दिया जाएगा। भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद ठाकुर ने यह भी कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है और इससे पहले संतों के एक समूह ने भोपाल में वेब सीरीज आश्रम के सेट पर तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए बीजेपी सांसद ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को आगरा में अरुण नारवार के परिवार से मुलाकात की है और उनके परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। गौरतलब है कि अरुण की 19 अक्टूबर को आगरा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के सिलसिले में अरुण को हिरासत में लिया था। नारवार परिवार से मिलने के बाद टिकैत ने पत्रकारों से कहा, राज्य सरकार मुआवजा देने में भेदभाव कर रही है, उसने लखीमपुर खीरी और कानपुर में 40-45 लाख रुपए की सहायता दी है लेकिन आगरा में सरकार ने महज 10 लाख रुपए का मुआवजा ही दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को
अरुण के परिवार को भी 40 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने नारवार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और अरुण की मौत के न्यायिक जांच के लिए भी मांग की है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेता और नीत जो सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि टिकैत ने कहा साफ तौर पे कि मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट ना दें। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम ना तो कोई उम्मीदवार उतारेंगे और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन समस्या सुलझने तक जारी ही रहेगा। इसे लेकर हम केंद्र सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं।